ओमिक्रॉन आ रहा है, दुकानदारी को लेकर परेशान भी होगे, लेकिन अब नहीं होना होगा परेशान, क्योंकि आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप। अब आपके कारोबार से जुड़ी हर समस्या का समाधान माई बिग ब्लिस ऐप पर। ओमिक्रॉन के दौरान आपकी सेल को गिरने से सिर्फ बचाएगी ही नहीं बल्कि बढ़ाएगी भी, तो इंतजार किस बात का, तुरंत फोन उठाओ और डाउनलोड कर रजिस्टर करो अपनी दुकान, वो भी मुफ्त में। माई बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। ये से जी बात करें अगर पल्सेस की, तो पल्सेस में आपको क्या लगता है, क्योंकि पल्सेस में हमने देखा है कि ओवरऑल जो कीमतें हैं वो भी एमएसपी से नीचे ही देखने को मिल रही हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोर्ट भी किया जा रहा है, ड्यूटी फ्री आयात भी किया जा रहा है दालों का, और अब भारत बातचीत भी कर रहा है आगे दालों का और आयात करने के लिए। ऐसे में आपको क्या लगता है आगे दालों का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए पल्सेस, ऑयल सीड, इन सब के जो इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूशन काफी अच्छे होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने काफी इसको लेकर पहले ही हमने देखा कि चेन्नई में स्टॉक लिमिट लगा दिया गया था, उसके बाद चेन्नई के अंदर हमने फ्यूचर भी बैन होते हुए देखा था, उसी के तहत हमने प्राइजेस के अंदर ये कूल ऑफ आते हुए देखा। बट सबसे बड़ा कंसर्न इसमें ये भी है कि एमएसपी के नीचे चलने की वजह से फार्मर थोड़ा डिमोरल हो जाएंगे हार्वेस्टिंग टाइम पे अगर भाव नहीं बढ़ता है तो। नो डाउट अटकल ये भी लगाई जा रही है कि भावांतर योजना के तहत फार्मर को बेनिफिट मिल सकता है, या सपोज नेफेड एक्टिव रहती है बाइंग में वो बेनिफिट मिल सकता है। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि ये काउंटर भी ऐसा ही रहेगा जैसे मैंने पहले भी सेशन में बताया था कि गवर्नमेंट के रेडार पे आ चुका है ऑलरेडी, तो इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी तो नहीं आएगी। हाँ, ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि एमएसपी की तरफ जाता हुआ जरूर दिखाई देगा, कहीं ना कहीं मैच करने की कोशिश करेगा जरूर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा जनवरी फरवरी मंथ में वो रहेगा वेदर कंडीशन, जहां हमें लगता है कि सीवियर कोल्ड की वजह से क्रॉप के यील्ड में ड्रॉप आ सकता है, क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप को डैमेजेस हो सकता है इनके अगर बारिश या हेल स्टॉर्म अगर हिट होता है जनवरी फरवरी में, तो ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि अगर थोड़ा भी अगर ऐसा ड्रॉप आता है तो कहीं ना कहीं ये कॉटन कहीं ना कहीं ये चने के प्राइजेस को बहुत अच्छा सपोर्ट दे देगा। तो मैं इतना बड़ा कोई मंदी नहीं पकड़ के चलता हूँ, बट हाँ प्राइजेस के अंदर गेंस आने पूरे हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी रहेगा जनवरी फरवरी मार्च में जहाँ पे बेसन की डिमांड बढ़ जाती है। तो टाइमिंग मार्केट साइडवे है, बट फ्यूचर में है नहीं, बट हाजिर में अगर हम बात करें जनवरी एंड तक या फरवरी की, तो वहां पे हमें लगता है कि चने के प्राइजेस में कंटिन्यू तेजी का रुख बना हुआ रहेगा। जी,